अब जानते हैं कि बृहस्पति आपको किस तरह की बीमारियां देता है, और अगर बृहस्पति आपको बीमारियां दे रहा है तो उन बीमारियों से बचने के उपाय क्या हैं। देखिए, बृहस्पति जो है वो शुभता में सबसे ज्यादा माना जाता है, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह बृहस्पति को मानते हैं। ये व्यक्ति को स्वस्थ भी रखता है और अगर खराब हो तो भयंकर बीमारियां भी देता है। बृहस्पति की बीमारियां कभी छोटी नहीं होती, बृहस्पति की बीमारियां हमेशा बड़ी होती हैं और हमेशा भयंकर होती हैं। कैंसर, हेपेटाइटिस यानी लीवर की समस्या और पेट की गंभीर बीमारियों के पीछे बृहस्पति होता है। कैंसर की बीमारी, लीवर की बीमारी या लंबे समय तक, बड़े समय तक बड़ी बीमारी, इसके पीछे आम तौर पर बृहस्पति होता है। और बृहस्पति आम तौर पर छोटी मोटी बीमारियां नहीं देता, जब भी बीमारी देगा बड़ी देगा और भयंकर देगा। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, अगर आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी शिकायत है, हालांकि उसके और भी कॉम्बिनेशन होते हैं लेकिन इन कॉम्बिनेशन में बीमारी बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और बृहस्पति डायबिटीज भी देता है, एक ऐसी बीमारी जिसकी दवाई आपको जीवन भर खानी पड़े, जिसके लिए आपको जीवन भर परहेज करना पड़े, डायबिटीज, शुगर, इसके पीछे भी बृहस्पति की भूमिका ज्यादा होती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर बृहस्पति की बीमारी से परेशान हैं, तो रोज सुबह जल में हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। प्रातः काल जल में हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक शुद्ध सोने का छल्ला, और अगर सोना नहीं खरीद सकते तो शुद्ध पीतल का छल्ला तर्जनी अंगुली में इंडेक्स फिंगर में धारण करना चाहिए। नियमित रूप से हल्दी का तिलक लगाएं अपने मस्तक पर और अधिक से अधिक समय निकाल करके रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो बृहस्पति की बीमारियां आपको परेशान नहीं करेंगी। याद रखिए, बृहस्पति अगर आपको बीमार कर रहा है तो चूंकि ये देव गुरु हैं, इसीलिए आपको अपने भोजन पर और अपने आहार पर ध्यान देना होगा। भोजन और आहार में शुद्धता बनाए रखनी होगी।